Extracts energy from a fluid flow and convert it into useful work. जैसे कि ये वाटर की वेलोसिटी है, ये इस पे इसके ब्लेड्स पे लगेगी, ये इसको रन करेगी, ये रन होगी, ये शॉफ्ट मूव करेगी जो जनरेटर को मूव करेगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. The device in which the kinetic potential or intermolecular energy held by the fluid is converted in the form of mechanical energy. Kinetic energy को क्या करते हैं हम, mechanical में convert करते हैं with the help of turbine, और फिर turbine से generator जो है वो mechanical को convert करता है into electrical energy. फर्स्ट टर्बाइन थी ये अलेक्जेंड्रिया के दौर में, अलेक्जेंडर के दौर में सेकंड सेंचुरी में बनाई गई थी. और उसके बाद 18 सेंचुरी में सर थॉमस न्यूज़कॉम ने जो फर्स्ट टाइम, उसके बाद 1883 में डॉक्टर गस्टफ ने, और 1984 में चार्ल्स पर्सन्स ने ये डिज़ाइन की. 1896 में चार्ल्स कर्टन ने फर्स्ट पेटेंट इस पे दिया, और 1910 में रेडियल टर्बाइन जो है वो इन्वेंट. इसमें देखें टर्बाइन में कुछ पार्ट होते हैं, एक जनरेटर, राउटर, उसके बाद टर्बाइन के ब्लेड्स, विकट गेट, वाटर जो अब फ्लो करता है. ये देखें जैसे ये एनिमेशन में नज़र आ रहा है, वाटर फ्लो करके इस पर टकराता है और ये ब्लेड्स रन करते हैं. जब ये ब्लेड रन करते हैं इनके साथ शॉफ्ट रन करती है, शॉफ्ट रन करती है वो जनरेटर को रोटेट करती है. जैसे कि यहाँ भी आपको क्लियर हो रहा है. स्टीम यूज हो रही है तो उसको हम स्टीम टर्बाइन्स कहते हैं, और अगर कोई गैस पल्स टर्बाइन होती है, उसमें क्या होता है कि एक नोजल लगा दी जाती है जहां से वाटर आ रहा है. जब नोजल लगाई जाती है तो क्या होगा, फ्लो तो सेम रहता है लेकिन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ रिड्यूसिव, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन एरिया.
विंचोरी टाइप, जैसे आपने विंचोरी देखी है, विंचोरी टाइप नोजल होती है, पीछे से खुली होती है, आगे आस्ता आस्ता उसका एरिया जो है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एरिया रिड्यूस होने से क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो जब ये वेलोसिटी टकराती है टर्बाइन्स के प्लेट के साथ तो उसको रोटेट करती है, इस ऐसी टर्बाइन को हम बोलते हैं इम्पल्स टर्बाइन। दूसरी टाइप होती है रिएक्शन टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन और इम्पल्स में आगे जाके डिफरेंस हम देखेंगे। देखिए हाइड्रो पावर में होता क्या, वाटर यहाँ तक होता है, उसके बाद ये एक टनल होती है जिसके स्टार्ट में कंट्रोल गेट होता है, जिसको पेन स्टॉप बोलते हैं, जिसके अंदर वाटर आता है, आके टर्बाइन से टकराता है, टकराने के बाद ये नीचे से ओवरफ्लो हो जाता है। टर्बाइन जब मूव करती है तो ये साथ ऊपर जनरेटर होता है, ये मूव करता है, जनरेटर के मूव करने से ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी आती है और फिर वो आगे पावर लाइंस के थ्रू दूसरे एरियाज में पहुंचा दी जाती है। ये एक पूरा मैकेनिज्म है टर्बाइन का। ये डिफरेंट टाइप्स है, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसके लिए जो है लार्ज पावर अचीव पर रिलेटिवली स्मॉल साइज हाईली एफिशिएंट होती हैं, सिंपल इन डिज़ाइन होती है और हाईली रेवोल्यूशंस होती हैं। स्टीम टर्बाइन, जब हम वाटर को बॉयल करके स्टीम की फॉर्म में ले आए और वो रन करें टर्बाइंस को, तो देन इट इज नोन एज स्टीम टर्बाइंस। फ्यूल है, बॉयलर है, वाटर बॉयलर में आया, कन्वर्ट हुआ स्टीम की फॉर्म में, स्टीम ने क्या किया टर्बाइन को डाल दिया जनरेटर को और इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस की इससे। उसके बाद गैस टर्बाइन, वाटर की जगह पर डायरेक्टली गैस यूज़ की जाती है जिसको जलाने के बाद हीट प्रोड्यूस कर उसको रन किया जाता है टर्बाइन को। द वर्किंग फ्लूड इन अ गैस टर्बाइन इज अ परमानेंट गैस इन कॉन्ट्रास्ट विद अ कंडेंसेबल वेपर इन द स्टीम टर्बाइन, प्रोड्यूस इन अ गैस जनरेटर एट हाई प्रेशर बाय कंटीन्यूअस कंबस्टन कंबस्टन चैंबर। उसमें क्या था, हम फ्यूल को इग्नाइट करते थे, वो क्या करता था वाटर को कन्वर्ट करता था इनटू स्टीम। इसमें क्या है, गैस को डायरेक्टली यूज किया जाता है कंबस्शन प्रोसेस के लिए। जैसे कि जेट इंजन में क्या होता है, इंटेक यहाँ से एयर की आई, यहाँ पे उसको कंबस्शन हुई उसकी, पीछे से बैक साइड से ये एग्जॉस्ट होता है। तो जब भी एग्जॉस्ट होता है तो उसका कोई रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है जैसे न्यूटन्स लॉ। तो जब एग्जॉस्ट होता है बाहर की तरफ स्पीड से जाता है तो वो पीछे की तरफ पुश भी देता है, जो वो पुश देता है उसकी वजह से वो जो एरोप्लेन है वो उस रन करते हैं। ये भी एक टिपिकल एग्जांपल है गैस टर्बाइन। इसी तरह विंड टर्बाइन है, आप लोगों ने देखी है। अब ये यहाँ पर रिड्यूस हुई, ब्लास्ट इंक्रीज हुई, तो ये इस पर क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। ठीक है, वो ब्लेड्स को रोटेट कर रही है। द होल ऑफ अवेलेबल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर द वाटर एक्ट्स ऑन द मूविंग ब्लेड। पेल्टन व्हील जो टर्बाइन है, जो ये दिखाई गई है, ये एक एग्जाम्पल है इसके इंपल्स टर्बाइन। इसके ब्लेड देखे इस तरह की होती है, कॉप्स टाइप। रिएक्शन टर्बाइन इसमें क्या होता है, इसमें ये नोजल्स हैं, एक ये साइड पर लगी हुई है, पास करके दूसरी साइड पर लगी हुई है। यहाँ पे भी देखेंगे रोटेटिंग नोजल्स हैं, जैसे ही वाटर इसमें से पास करेगा तो ये क्या करेगा, एक स्पीड से वापस बाहर को निकलेगा तो बैक साइड पे भी एक पुश देगा, बैक साइड पे जब पुश देगा तो ये रोटेट करेगी। ठीक, यानी कि नो
नोजल्स रोटेट करेंगे, इसमें रिएक्शन टर्बाइन। इसकी मैं आपको रिएक्शन टर्बाइन, इसमें ये डिफरेंट टाइप के ब्लेड यूज होते हैं। इसकी मैं और ये रिएक्शन टर्बाइन है, इसमें देखिए नोजल्स जो है वो रोटेट कर रही हैं, जबकि यहाँ पे नोजल फिक्स है और टर्बाइन रोटेट कर रही है। ठीक है, ये इसके साथ शॉफ्ट के साथ ये आगे अटैच होती है जो रोटेट करती है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन इंपल्स एंड रिएक्शन टर्बाइन। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी या हाइड्रोलिक एफिशिएंसी वर्क डन पर किलो न्यूटन ऑफ वाटर ओवर हाइड्रोलिक हेड। मैकेनिकल एफिशिएंसी इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क अवेलेबल एट द टर्बाइन शाफ्ट टू एनर्जी इंपार्टेड टू द व्हील, यानी कि जितनी एनर्जी व्हील को दी गई और जो एक्चुअल वर्क डन हुआ उन दोनों के दरमियान रेशियो है। ओवरऑल एफिशिएंसी इज बेस्ड ऑन द यूजफुल वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय द वाटर फ्लो ओवर इनपुट, यानी कि जो आपने इलेक्ट्रिसिटी गेन की या सॉरी आप कह लें कि कितना स्पीड से वो रनर्स मूव किए वो वर्क डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, यानी कि जो किनेटिक एनर्जी आपने प्रोवाइड की टर्बाइन। वही ये वाटर लेवल है रिजर्वॉयर में, ये पेन स्ट्रोक के थ्रू वाटर में करता है, जो टोटल हेड होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू काइनेटिक एनर्जी, जबकि रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है जो फ्लूइड है उसको पार्शली पास किया जाता है स्लोली अडिंग ऑफ स्टेशनरी गाइड वेन्स इन विच ओनली पार्ट ऑफ द अवेलेबल टोटल हेड इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। सारा काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ काइनेटिक में कुछ प्रेशर में रहता है। रिएक्शन में क्या रिलेशनशिप होता है, रिएक्शन टर्बाइन टर्बाइन में प्रेशर जो है name the two major reaction turbines, draw pattern wheel, what is Euler's head। तो ये आपने देख लिया, ये छोटा सा लेक्चर है, इसके साथ ही आपका कोर्स खत्म हो गया। तो अच्छी तरह इसकी प्रिपरेशन करें।